सो फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि भाई सेटअप टूर लेकर आओ, सेटअप टूर लेकर आओ। तो सेटअप टूर की वीडियो जो है वो आ चुकी है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो और अभी हम यहाँ से जो है उठकर आपको सेटअप टूर पूरा दिखाने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो को कैसे शूट करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का कमेंट था, मैंने कम्युनिटी पर पोल किया हुआ था, तो सभी ने कहा कि भाई सेटअप टूर दिखाओ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब आपकी मर्जी है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो चलो सेटअप टूर दिखाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको जुगाड़ दिखाई देगी कि मैं कुछ भी खर्चा नहीं करके भी और कितना अच्छा क्वालिटी का वीडियो मैं शूट करता हूँ। ठीक, तो बस वीडियो पर एंड तक बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे सेटअप रूम का मेन डोर। ठीक है, तो इसको यहाँ से, ये तो ओपन ही है, तो बस ओपन कर लेते हैं। आ जाओ, ओपन करते हैं, आते हैं अंदर। तो अंदर आते ही यहाँ से ये लगा हुआ है एक बोर्ड, जिससे क्या है कि हमारी जो लाइटें हैं वो हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इन लाइटों को ऑपरेट करते हैं। फिलहाल इस गेट को कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ से आएगी आवाज़। ठीक है, इस गेट को भी कर देते हैं बंद। यहाँ इस साइड भी एक गेट है, तो इसको भी लॉक कर देते हैं। तो गाइस ये हो गया है लॉक। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सामान लगा हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सामान लगा दिया है बाकी, और अभी हम दिखाते हैं एक एक करके कि हमने पूरे सेटअप पर क्या क्या चीज़ें जो यूज की हुई हैं और हम किस तरीके से सेट करते हैं जब हम वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, सेटअप टूर पूरा एंड तक देखना, कितना मैंने खर्च किया है इस पर वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो पूरा सेटअप टूर देखते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो है दो हमने रॉड को यूज किए, जो कि LED रॉड होती हैं। ठीक है, जो कि घर की लाइट की फिटिंग में लगाई जाती है। अब आप सोच रहे हो कि इसका यूज कहाँ करते हो, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं ये हम बता देंगे आपको। ठीक है, बस वीडियो में एंड तक बने रहो। ठीक है, तो ये आपको आसानी से 200 रुपये की एक मिल जाती है मार्केट में, यानी कि 400 रुपये की रॉड मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको ये जो कंडेंसर माइक में यूज करता हूँ, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, इस कंडेंसर माइक को मैं यूज करता हूँ अधिकतर, 90% वीडियो मेरा ये मिलता होगा। ठीक है, ये एक सिंगिंग माइक है। ठीक है, तो ये एक सिंगर थे, उनसे हमने खरीद लिया था। ठीक है, कंडेंसर माइक था और बाकी इसके साथ ही स्टैंड वगैरह सब साथ में ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस चेयर को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब हमें पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लाइट है ये। ठीक है, ये अच्छा खासा रिफ्लेक्ट करती है, शायद से लेजर लाइट इसको बोलते हैं जहाँ तक। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये एक लेजर लाइट है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन है, इसी से हमारी ये और ये लेजर लाइट और यहाँ पर जो बैकग्राउंड में हमने RGB लाइट को यूज किया हुआ है। ठीक है, वो सभी सिर्फ एक बटन से ऑपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो कैसे ऑपरेट होती हैं, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, आप देख सकते हो कि सारी की सारी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। ये जो लेजर लाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो कि रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर रेड और ग्रीन, यानी कि लाल और हरा कलर यहाँ पर देती है दीवार पर। बाकी ये आपने देखा होगा कि ये जो रिंग लाइट है, ये यहाँ पर जलती हुई आपको नजर आती है, यहाँ पर आपको मतलब येलो येलो सा हल्का सा जो है रिफ्लेक्ट करता है ये दीवार पे। तो ये कैसे जलती है, तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप से हमने इसकी USB को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसकी USB को हमने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, और क्या करते हैं कि इसमें जो बटन है, तो यहाँ पर बटन दी हुई है। ठीक, इस बटन को हम जैसे ही ऑन करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे ये जो LED है, यानी कि जो रिंग लाइट है, ये ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ऑन हो जाती है, ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को सेटअप में दिखाई देती है। ठीक, तो इसको क्यों लिए, इसको लगा देते हैं सबसे पहले। ठीक, बाकी यहाँ पर जो एक रिंग लाइट है, एक RGB लाइट है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये मेरी फ़ोटो है, ये तब की फ़ोटो है जब हम TikTok वीडियो शूट किया करते थे और बहुत सैड वीडियो उस टाइम में बनाता था। ठीक है, तो ये TikTok टाइम की फ़ोटो है जिसको मैंने आज दिन तक जो है अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ठीक, तो ये तो मेरी TikTok टाइम की फ़ोटो है, तब क्यूट भी लगता था यार, अब तो शक्ल बेकार हो गई है। ठीक, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो स्टैंड है, ये अभी हमने हाल में ही परचेस किया हुआ है। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कहा कि सेटअप में थोड़ा और चेंजमेंट करो, तो मैंने सोचा चेंज करके ही फिर सेटअप टूर बनाया जाए। ठीक, तो इस स्टैंड को हमने लिया। बाकी यहाँ पर जो भी हमने मोबाइल लिया था, ये मोबाइल लिया था Realme Narzo 10, जो कि हमारा दिल्ली में चोरी हो गया था। ठीक है, हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया था, तो ये रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर क्लीनर है, क्योंकि यहाँ पर जो सेटअप है इसको हमें क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज ये नीचे जो है ये मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो कांच है, ठीक है, तो ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये ग्रीन मैट डाल रखी है हमने। ठीक, तो इसको साफ करने के लिए क्लीनर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी यहाँ पर ये एक मोबाइल वाला लेंस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो मोबाइल लेंस है, क्योंकि इससे क्या है कि जब जूमिंग कैमरा नहीं था मेरे पास, तो इससे जूम करके मैं वीडियो बनाया करता था। ठीक है, तो ये लेंस है अपने पास। बाकी यहाँ पर मोबाइल के बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, और एक ये गैलेक्सी का है, जो अभी जिस फ़ोन से ये वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, इसका बाकी यहाँ पर एक ये रूम स्प्रे है, ठीक, और ये माउंटेन रखी हुई है, तो बाकी तो आपको दिख ही रहा है। और ये रखा है एक सबसे महंगी चीज़ भाई मेरे सेटअप की, जो है सेकेंड सबसे महंगी चीज़, ये हमारा लेंस कैमरे का, जो कि 17-18 हज़ार का है। ठीक है, तो ये लेंस है कैमरे का, 55-250 है, हाँ 55-250 है। बाकी ये है अपनी जान, गूगल एडसेंस पिन,
फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूब चैनल का गूगल एडसेंस प्रिंस मैंने जो ये रिसीव किया था, इसको मैंने जो अभी वीवो वाले फ़ोन के बॉक्स पर जो है अच्छे से टेपिंग करके रख दिया है, नहीं तो ये मतलब पड़ा रहता था कहीं, मतलब गुम हो जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। ठीक, तो बाकी ये है, और ये अपनी सबसे सेटअप की सबसे अनमोल चीज़ जिसको मैं कभी यार दूर नहीं करता, खुद से लव यू। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा, ठीक, कैनन का कैमरा है, अच्छा खासा वीडियो से शूट होता है, क्वालिटी तो आप लोग देखते ही हो। ठीक है, और आप लोगों की डिमांड भी थी कि भाई क्वालिटी कैसी आती है। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर लैपटॉप है, चार्जर है, और कुछ USB वगैरह है, बाकी खास कुछ है नहीं सेटअप पर। ठीक है, इतना ही है, जैसे कि 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और मतलब पूरा का पूरा लगभग 10 चीज़ें हैं टोटल। ठीक है, और 10 चीज़ों का मैं अगर कॉस्ट बताऊँ पूरा सेटअप पर कि मैंने यहाँ पर कितना खर्च किया होगा, तो ये समझ लो कि क्या ही बताऊँ, 1 लाख के समथिंग का तो ये कैमरा है। ठीक, 1 लाख का कैमरा है, बाकी ये मान लो 10,000 रुपये का। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको सेकेंड हैंड लिया है, ठीक है, 5-7 हज़ार में, लेकिन 10,000 के ऊपर आता है। ठीक है, 10,000 का ये मान लो, 500 रुपये की ये लेजर लाइट, ठीक है, तो कितना हो गया, 1,10,000, 1,15। ठीक है, उसके बाद ये लैपटॉप जो कि अखिलेश यादव ने सपा सरकार में फ्री में मिला था भाई, ठीक है, कोई ख़रीदा नहीं है तो उसका यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये 200-250 रुपये की एक ये RGB लाइट है मेरे पास, ठीक है, ये हो गई। और ये मोबाइल के बॉक्स हैं, इनकी कोई कीमत ही नहीं है, और 18-20 हज़ार का ये लेंस है। तो लगभग ये समझ लो आप, टोटल में अगर इसको काउंट करके बताऊँ, लगभग लगभग 1.5 लाख के समथिंग पूरा का पूरा सेटअप पर अभी सामान है, जबकि कुछ भी सेटअप में नहीं है, तब 1.5 लाख रुपये का सामान यहाँ पर जो है हो गया है। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो हम वीडियो को शूट करते हैं, जब हम सेटअप लगाते हैं, ठीक है, तो कैसे लगाते हैं जब हमारी वीडियो शूट होती है। ठीक, तो जुगाड़ देखो भाई, जुगाड़ की बात है। ठीक है, सबसे पहले जुगाड़ देखना कि मैं कितनी जुगाड़ से क्वालिटी को इम्प्रूव करता हूँ। ठीक, तो चलो फटाफट से हम यहाँ पर आ जाते हैं, तेजस आ जाओ यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम करते क्या है कि ये जो हमारी 3 चेयर हैं, ठीक है, टोटल 4 चेयर आती हैं एक सेट में, तो ये 3 चेयर हैं, इसमें क्या करते हैं, हम इन 3 चेयर को लेते हैं और यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, पीछे वो थोड़ा तेज़, यहाँ पर हम रखते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने रख दिया, रखने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने 2 स्टैंड टाइप के बना रखे हैं। ठीक, एक ये, एक ये, ठीक है, तो ये 2 स्टैंड हमने बना रखे हैं इसलिए क्योंकि इस पर जो है LED लाइट, हम जो है रॉड अभी हमने बताया था कि कैसे यूज करते हैं उसको बता देते हैं, तो ये 2 हैं। उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर ये देखो, इसे कहते हैं भारत और जुगाड़। ये है देखो LED लाइट का ये जो गत्ता आता है ना, देखो भाई इसको भी वेस्ट नहीं किया है, मतलब भारत में जुगाड़ बहुत ज़्यादा है, आप अगर कुछ भी करना चाहो जुगाड़ से तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें एक लकड़ी को फंसा दिया है, और इस लकड़ी को फंसाने के बाद हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो इसमें ये डाल देते हैं। ठीक, डालने के बाद क्या करते हैं, देखो ये डल गया, उसके बाद उठाते हैं यहाँ से रॉड, दोनों दोनों उठाने के बाद ये देख सकते हो केबल कितनी लंबी है, हार्ड है। ठीक है, और इस तरीके से डाल देते हैं, और एक रॉड को रखते हैं ऐसे। ठीक, ये जैसा कि आप देख सकते हो एक हमने ऐसे रख दिया सामने आते जस, ठीक है, और एक को हम यहाँ से कुछ इस तरीके से लेते हैं, और ये जो है इसके ऊपर ऐसे फंसा के, और इस तरीके से हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेटअप सेट, और फिर उसके बाद क्या है, ऐसे ऑन करते हैं और क्वालिटी दिख रही होगी। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा सेटअप लगा लेते हैं, उसके बाद सामने में रखते हैं कैमरा, और कैमरा रखने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो क्या आती है, और अब आप कैमरे की क्वालिटी देख पा रहे हो कि क्या क्वालिटी जो है आती है कैमरे से। ठीक, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल की वीडियो देखने के बाद क्या कितना अच्छा लगता है कैमरा होता है अगर, ठीक है, तो कैमरा होता है ना, तो कैमरे में क्वालिटी अच्छी आती है, पता है क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर कर देता है वो। ठीक, हल्का हल्का ब्लर कर देगा तो आपके ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और जब आपको फोन की वीडियो आपने जो आप देख रहे थे क्लिप, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा, तो आपको फोन का जब आप वीडियो शूट करते हो तो क्वालिटी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेनी होती है। ठीक, जब आप कम कर लोगे तो कैमरे की जैसा ही आपको इसी तरीके का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि भाई कैमरा नहीं तो वीडियो शूट नहीं कर सकते। ठीक, सो बस सेटअप टूर हमने आपको दिखाई दिया है, और कैसा क्या था आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पर दबाना, और दोस्तों से जितना ज्यादा हो सके उन लोगों को शेयर करना जो ये मतलब हमें बोलते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास लाइट अच्छी रिंग लाइट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो हम वीडियो कैसे बनाए। तो देख लो भाई तुम्हारे सामने ये रॉड लगी हुई है, लाइट के लिए कोई सॉफ्ट बॉक्स नहीं, कोई रिंग लाइट नहीं। ठीक है, कैमरा तो खैर मेरे पास जो मैं दूसरा चैनल है उस वजह से मैं शूट करता था तो वहीं से है। ठीक, बाकी मैंने इस चैनल से कुछ नहीं लिया है। ठीक है, बाकी सेटअप टूर पूरा पूरा देख ही लिया है आपने, और तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।